और अब खबर सीहोर से है, जहां 3 साल की बच्ची बोर में गिरी है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बच्ची का नाम सृष्टि कुशवाहा बताया जा रहा है। सीहोर के ग्राम मुंगावली का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से यह मामला सामने आया। रेस्क्यू टीम के द्वारा बच्ची को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीहोर के ग्राम पंचायत की ये पूरी घटना, 3 साल की बच्ची बोरवेल में जा गिरी, तो 300 फीट गहरा है और 50 फीट का है ये बोरवेल जिसमें बच्ची जा गिरी है। ग्राम मांगावली की ये पूरी घटना, मौके पर जिला प्रशासन भी मौजूद हैं, जहां बच्ची का नाम सृष्टि कुशवाहा बताया जा रहा है, जो कि बोरवेल में जा गिरी। तो 300 फीट गहरे और 50 फीट बोरवेल में ये बच्ची गिर गई है। हालांकि लापरवाही ये बहुत बड़ी एक बार फिर से देखने को मिली है। इससे पहले भी बोरवेल में गिरने के मामले देखिए सामने आए हैं, और अब एक बार फिर से बोरवेल में 3 साल की बच्ची सृष्टि जा गिरी, जहां तमाम जो बोरवेल हैं उसको ढकने की बात कही जा रही थी। सीएम के द्वारा भी ये बात कही जा रही थी कि बोरवेल को ढकने का काम कर दिया गया है। तो सवाल यहाँ यही उत्पन्न हो जाता है कि अब ये 3 साल की बच्ची इस बोरवेल में कैसे गिरी। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर है, जिनके द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है बच्चों को बचाने की। पूरी कवायद रेस्क्यू टीम करती हुई नजर आ रही। तो 3 साल की सृष्टि बोरवेल में जा गिरी, जहां से उसे निकालने का कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजू विश्वकर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ। राजू, ये बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है, स्थिति कहां तक पहुंची है, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? 3 वर्ष की बालिका सृष्टि जो है बोरवेल में फंस गई है, और रेस्क्यू ऑपरेशन सीहोर से पहुंच चुका है। वहां पे बच्ची को ऑक्सीजन दी जा रही है और जेसीबी से गड्ढा खोद के उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल राजू, और देखिए ये बड़ी लापरवाही एक बार फिर से जिस तरीके से सामने आई है। हालांकि बच्ची के परिजनों की बात कर ली जाए, उनकी किस तरह की स्थिति, अभी क्या आपकी कोई बात हो पाई है उनसे? अभी नहीं हो पा रही बात में। बिल्कुल, और यहाँ पर मौके की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन मौके पर मौजूद हैं, क्या किसी के द्वारा यहाँ पर संज्ञान लिया जा रहा है या फिर सिर्फ रेस्क्यू? जी, एसडीएम तहसीलदार पुलिस अधीक्षक पहुंच चुके हैं मौके पर, और भोपाल की टीम भी बुलवाई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ निकालने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन। राजू, अगर यहाँ पर बात बात बच्चे की जाए तो बोरवेल में कैसे गिरी है बच्ची, क्या कोई अपडेट मिल पाई है इस विषय पर? ये कोई भी नहीं बता पा रहा यहाँ पर कि किस तरह गिरी है, पर लापरवाही तो हुई है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरदा से बड़ी खबर, जहां गांव खमलाई में